आखिर राज्य में गाय पर घमासान, प्रशासन और ग्रामीण आए आमने सामने। जी हाँ, पूरा मामला जनपद एटा के थाना नया गांव इलाके ग्राखरिया पमरान का है, जहां गाय को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कुछ अज्ञात लोगों ने 2 दर्जन से ज्यादा गायों को गांव के ही सरकारी विद्यालय में लाकर बंद कर दिया। सरकारी विद्यालय में गाय बंधक बनाए जाने की खबर जब प्रशासन को हुई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मौके न जाकर को समझा तो पता चला कि गांव में के ही मजरे नगला सवल में अस्थाई गौशाला का निर्माण पूर्व में ही कराया जा चुका है। उसके लिए धन का आवंटन भी कराया जा चुका है। आवारा पशुओं को टैगिंग भी किया जा चुकी है। अब सवाल ये बनता है कि जिन ग्रामीणों ने काफी मशक्कत कर गायों को पकड़कर सरकारी स्कूल में बंधक बनाया, उन गाय को गौशाला भी पहुंचाया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। उल्टा गांव में ही पहुंचे प्रशासन अधिकारियों से फसलों के नुकसान की बात रखकर उनसे झड़प पड़ने लगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों का समझा बुझाकर बंधक गायों को कब्जे में लेकर पास ही गौशाला भिजवा दिया है। साथ ही राजनीतिक देशभावना से मुद्दा बजाने को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाए जाने की बात भी कही है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए एटा जिले से राघवेंद्र यादव की रिपोर्ट। आखिर क्या वजह रही गाय बंद करने की? क्या वजह? जो तो खेत में देखो, चले पता चलिए, सैकड़ों बीघा जमीन सब खाली, बिल्कुल जमीन से बुला दे, गेहूँ खड़े है किराए तक सब चुग ले, आदमी खाएगा। आप ये किसकी गलती मानते हैं? इसमें किसकी गलती? शासन से जो निर्देश मिले उनका जो है यहाँ कोई पालन नहीं हो रहा है। जब ग्राम प्रधानों को ये व्यवस्था दी गई है, ग्राम प्रधान कौन पालन कर रहा है इसका? गौ आश्रय स्थल पूर्व में ही नला सवल में जो प्रिय पवन का एक मजरा है वहाँ बना हुआ है, और वहाँ के 5-6 गाय वहाँ रखी हुई है, उनकी टैग भी हो चुकी है। लेकिन लोगों ने राजनीतिक बस कैसे मतलब एक स्कूल में बंद करना, उन्होंने ये गलत का किया है, बच्चों की पढ़ाई में योगदान पहुँचाया है। और मौके पर मैं स्वयं एडीएम साहब, वीडियो साहब और आपके वीडियो साहब, सी साहब, एजेंट साहब मौके पर गए, वहाँ फोर्स भी आ गए और लोगों को समझाया कि आपको पहुँचा नहीं गया तो आश्रय स्थल नदी बना हुआ है वहाँ पहुँचाएं। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी खाते खुला है, पैसा आ चुका है, लेकिन उन्होंने वहाँ ना पहुँचा के स्कूल में बंद कर दिए। ये उन्होंने गलत कार्य किया है, ये लोगों को मौके समझा दिया है और स्कूल खाली करा दिए हैं। और वहाँ जो डॉक्टर पदस्थ हैं अटा सचिव भूषण बिथरा में, उनको आदेश दे दिया गया है तो जो गाय पहुंचे उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराए और टैग कराए। लोग द्वारा जो राजनीतिक द्वेष वसूल है इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, और इन लोगों ने जान बुझ के प्रधान के विरुद्ध खड़े अंतर चाह। मैंने वैसे गांव नगला सबल में ऑलरेडी वो बना हुआ है गौ सेवा, अस्थायी गौ सेवा केंद्र बना हुआ है, प्रधान का व्यवस्था है, और बगल में ही अमोक भटाने प्रधान द्वारा भी पोल्ट्री फार्म में बनवाया गया अस्थायी गौ सेवा केंद्र, खतरागंज में भी है।